हेलो उथरियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। देखो, मुझे पता है कि काफ़ी सारे वीडियोस में कॉपीराइट आ गया है, जिसके कारण वो लोग जो वीडियोस थे वो ब्लॉक हो गए हैं। मैं उन्हें एडिट कर दूं और इसके बाद री अपलोड कर दूं, क्यों नहीं मैं इसे बीच बीच के कुछ पार्ट को ट्रिम कर दूं। दोनों में ही काफ़ी लॉन्ग टाइम लगने वाला है, बट आप लोग मुझे वीडियोस कमेंट कर देना कौन कौन से हैं। यहाँ तक कि हमारी ये वाली जो BDTH 4 की सीरीज है, इसमें भी काफ़ी सारे कॉपीराइट्स आ गए हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि इनको जल्द से जल्दी अपलोड कर दूं। तो आप लोग फटाफट से अब लाइक से सब्सक्राइब मार दो और मुझे बताओ कि कौन कौन से वीडियोस आपको रिटर्न चाहिए है, मैं उन्हें री अपलोड कर दूंगा। तो चलो अब आते हैं एपिसोड पे और बता देता हूं मैं आप लोगों को पिछला एपिसोड। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो यान किंग हॉरन सभी लोग बैटल डेमन क्लेन में पहुंच गए होते हैं, जहां बैटल डेमन क्लेन से कन्वर्सेशन होता है और आखिरकार वो लोग मान जाते हैं। साथ ही जब उन्हें जो यान के बारे में पता चलता है तो वो काफी हैरान होते हुए कहते हैं, ये बंदा है वो जिसने पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर तहलका मचा रखा है। जिसमें किंग आवरान कहते हैं, जी सर यही वो है। तथा फैन उनको भी पता था कि जो यान अगर वही बंदा है जिसने पूरे ही फिल्म मार्केट को कब्जे में कर रखा है, तब तो फिर इसका फ्यूचर काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। इसलिए वो भी जो यान को काफी रिस्पेक्ट देते हैं। तभी एक एल्डर पूछता है जो यान की पावर क्या है। तभी अपनी जो मुयर होते वो तुरंत ही हंसते हुए कहते हैं, जो यान 3-स्टार डाउडी और 3 साल में 3-स्टार डाउडी पर पहुंच गया। जो सुनकर तो सबकी हार्ट से बीट बढ़ गई होती है कि इंसान है कि शैतान, ऐसे कैसे बढ़ गई पावर। लेकिन एट दैट एंड सभी लोग डाउडी थे तो थोड़ा सा झटका सह लेते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि जॉन एल्केमिस्ट भी है। तभी एक एल्डर बढ़िया फुल उड़ी में पोज मारते हुए कहता है, अरे हाँ एल्केमिस्ट होगा, लेकिन ऐसे ही वैसे ही होगा, ज्यादा ध्यान देने वाली बात थोड़ी है, आखिरकार बंदा पावर बढ़ा रहा था तो एल्केमी पावर थोड़ी बढ़ा पाया होगा। तभी फैनियन भी कहता है, वैसे मिस्टर जियान आपकी एल्केमी रैंक है क्या। तभी जॉन ने कहा था, भाई बस रैंक 4 का एल्केमिस्ट हूँ, छोटा मोटा सा। जो सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। देन हमने ये भी देखा था कि जो यान को फिर फैनियन वो नुस्खा और तीनों फ्रूट दे देता है। बस अर्थ जो यान से वो शर्त लेता है कि वो उसके एल्डर के लिए एक पिल रिफाइन करेगा रैंक 6 की, जो जॉन एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद ये लोग वापस क्लेन में लौट आते हैं, जहाँ पे जैनी भी आ गई होती है और जो यान को उसके इंग्रेडिएंट देती है और कहती है, तुम जाओ पहले रैंक 5 की पिल रिफाइन करो और उसी के बाद मुझसे मिलना। और ये एपिसोड मैं वहीं एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। आज व्रत था तो थोड़ा सा हिम्मत भी कम है और हल्की हल्की सी तबीयत भी खराब थी 1-2 दिन से इस बरसात के कारण, तो गला सभी थोड़ा सा खराब है, तो एडजस्ट कर लेना अगर कोई भी मिस्टेक हो मुझसे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में। जो यान सीधा ही अपने एल्केमी रूम के अंदर आ जाता है और तुरंत ही अपनी जो ब्रीथ होती है उसे कंट्रोल करता है और डेंटियन के अंदर से वापस से कोई एनर्जी को फ्लक्चुएट करने लगता है, जिससे जॉन थोड़ी ही टाइम के अंदर अपनी एनर्जी को फुलफिल करता है। अपने आप को शांत करने के बाद और ब्रीथ को कंट्रोल करने के बाद जो यान धीरे धीरे खड़ा होता है, जिसके बाद जॉन अपनी रिंग को फ्लक्चुएट करता है और तुरंत ही गोल्डन टावर जॉन के सामने आ जाता है। जिसके बाद जॉन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता पिल लाइटिंग को ऑब्जर्व करने के बाद लॉन्गी का क्या हाल होगा। इसलिए जॉन तुरंत ही एक थॉट के साथ लॉन्गी से कहता है, हाजिर हो। और फिर क्या, जो यान की आवाज को सुनकर लॉन्गी जो यान के सामने गोल्डन लाइट से घिरा हुआ अपीयर होता है और तुरंत ही कहता है, जो हुक्म मेरे पापा। साथ ही यहाँ पे जॉन ने फील किया था लॉन्गी का जो ऑरा था पिछले के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग होता है, जिसपे जॉन तारीफ करते हुए कहता है, बुरा नहीं बेटे, मुझे उम्मीद है तुम अपने पप्पा का नाम रोशन करोगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। साथ ही जो यान लॉन्गी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। तभी लॉन्गी भी एक्साइटेड होकर कहता है, रैंक 4 की जो फील्ड लाइटिंग थी पापा वो काफी खतरनाक थी और वास्तव में उसको ऑब्जर्व करने के बाद मैं 3-स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तभी जो यान कहता है, कैसा रहेगा, क्या तुम रैंक 5 की फील्ड लाइटिंग को ऑब्जर्व कर सकते हो। हालांकि जॉन इस टाइम पे काफी आश्वस्त यानी कि टेंशन फ्री होता है, उसे पता था कि लॉन्गी ने जब पिछली बार रैंक 4 की फील्ड लाइटिंग को ऑब्जर्व कर लिया था तब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी, तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ यह सुनकर लॉन्गी और भी ज्यादा खुश होता है कि वास्तव में रैंक 5 की लाइटिंग, जिससे तो वो काफी खुश होता है कि भाई अपनी पावर अब और बढ़ सकती है। हालांकि लॉन्गी को टेंशन फ्री देखकर जॉन तुरंत ही सही रहते हुए अपने यान में कुलड्रोन को अपेयर करता है और उसकी कैओस होली फ्लेम अपेयर होती है और अर्थ एक्सप्लोजिव फ्लेम जो कि एक साथ फ्यूज हो गई होती है और हल्के ब्लू कलर की फ्लेम जॉन को पूरी तरीके से घेर लेती है। साथ ही इस टाइम पे जो यान की फ्लेम के अपेयर होते ही चारों तरफ का जो टेम्परेचर होता है वो काफी गुना इंक्रीज हो गया होता है। साथ ही जॉन की फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी भी काफी इंक्रीज हो गई होती है, इसलिए इस फ्लेम का जो इफेक्ट था जॉन इसे काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। साथ ही जॉन की स्पिरिचुअल पावर भी इंक्रीज हो गई थी, तो जॉन को इसे कंट्रोल करने में और भी कम प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही जॉन हर एक छोटे छोटे फ्लैक्चुएशन और उतार चढ़ाव को भी फील कर सकता था। जिसके बाद जॉन एक थॉट के साथ रेजुवेशन पिल की जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको निकाल लेता है, जब वे 5-स्टार वुड एट्रीब्यूट का मैजिकल कोर, 5-स्टार वुड एट्रीब्यूट का डायमंड का या कि मॉन्स्टर का ब्लड एसेंस, स्कारलेट रेड लाइफ फ्रूट, गोल्डन ड्रैगन की ब्लड की ड्रॉप्स और फिनिक्स ब्लड और कुछ हाई ग्रेड के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट। जिसके बाद जो यान की नजर लाइफ फ्रूट पर पड़ती है जो कि बैटल डायमंड क्लेन ने उसे गिफ्ट किया था,
जैसे जुआन के जो इम्प्रेशन होते थोड़ा सा बदल जाते हैं। जुआन को पता था कि इसके बदले उसे एक भारी एहसान भी चुकाना है, क्योंकि अगर ये फ्रूट डे होता तो जुआन कभी भी रैंक 5 की पिल को रिफाइन करने के लिए आगे के इंग्रेडिएंट को इकट्ठा ही नहीं कर पाता। साथ ही जो ड्रैगन और फिनिक्स थे वो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर भी पीक मैजिकल बीस्ट में से एक थे। साथ ही इनकी क्वांटिटी काफी रेयर और पावरफुल भी थी। साथ ही इनकी छोटी सी क्वांटिटी के कारण ये काफी एकजुट भी थे, और अगर इनमें से कोई भी इनके ट्राइब के किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक करता है तो वास्तव में पूरी ट्राइब उसका तब तक पीछा करती थी जब तक कि उसे मार न दिया जाए। हालांकि अभी भी मेनलैंड के अंदर ड्रैगन ट्राइब की कुछ सब ब्रांचेस थी, और साथ ही साथ फिनिक्स ट्राइब से भी मिलती जुलती ब्लड लाइन वाले कुछ बीस्ट, इसीलिए जोयान को उनकी सेम मिलती हुई जुलती ब्लड लाइन को ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होती है। लेकिन फिर भी जिनकी ब्लड लाइन ड्रैगन और फिनिक्स ब्लड लाइन के करीब थी, बोल बीस्ट भी काफी पावरफुल थे, यहाँ तक कि उनकी पावर सेवन स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर तक की थी, और यहाँ तक कि सांगबेंग ने इस ब्लड की ड्रॉप के लिए काफी हाई कीमत चुकाई हुई होती है। और ये काफी अच्छा था कि हर पिल रिफाइनमेंट के लिए केवल एक ही ड्रैगन ब्लड ड्रॉप और फिनिक्स ब्लड ड्रॉप की जरूरत थी, वरना तो वास्तव में जोयान को इस पिल को रिफाइन करने के मुद्दे को साइड में रखना होता। साथ ही जो ये रिजर्वेशन पिल होती है इसे रिफाइन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट की जरूरत थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, लेकिन सभी इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा यूजफुल थे और काफी इफेक्टिव भी। साथ ही ये जो पिल थी इसका जो इफेक्ट था वो वास्तव में रेइनकार्नेशन के जैसा ही था, मतलब पुनर्जन्म जैसा, और ये एक मुरझाए हुए पेड़ को भी वापस से जिंदा कर सकती थी। साथ ही जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये किस तरीके से रैंक 5 का पिल एल्केमिस्ट पिल फॉर्मूला है, और अगर ये रैंक 5 की पिल्स में इसे रिफाइन करना सबसे इजी नहीं होता तो जॉन कभी भी इस फॉर्मूले को चूज ही नहीं करता। हालांकि क्योंकि इस पिल को रिफाइन करना इजी था, जॉन ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए इसे अपनी फ्लेम को कंडेंस करना स्टार्ट करता है, और साथ ही साथ जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं उन्हें जॉन धीरे धीरे लाइनअप से सेट कर देता है, जिसके बाद सभी इंग्रेडिएंट एक एक करके फ्लेम के अंदर जाने लगते हैं। साथ ही एम्परर टियर के लेट स्टेज की स्पिरिचुअल पावर के साथ जॉन काफी इजीली इन इंग्रेडिएंट को कंट्रोल कर पा रहा होता है, और देखते ही देखते जॉन की स्पिरिचुअल पावर के कंट्रोल में ये सभी इंग्रेडिएंट भी मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होने लगे होते हैं, जिसमें जॉन को काफी टाइम लगता है। और इसके बाद अगली चीज आती है फ्यूजन, जिसके बाद जॉन समझ जाता है कि अब केवल यहाँ पे जरूरत है स्पिरिचुअल पावर की, इसलिए वो तुरंत ही उसे एक्टिवेट करते हुए इस फील्ड के फ्यूजन को कंट्रोल करने लगता है, और सब कुछ काफी अच्छी तरीके से चल रहा होता है, यहाँ तक कि जो ये फ्यूजन होता है वो लास्ट स्टेप तक पहुंच गया होता है। साथ ही साथ ये जो पिल होती है वो भी धीरे धीरे फ्लेम के अंदर घूमते हुए और ग्लिल होते हुए इसकी जो सतह होती है वो काफी चिकनी होती जा रही होती है, और काफी मिस्टीरियस स्मेल इससे निकल रही होती है। साथ ही ये देखकर कि वो सक्सेसफुल होने वाला है, जो यान भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। लेकिन तभी जो यान ने जिस चीज को उम्मीद की थी वही होता है, और ड्रैगन ब्लड ड्रॉप अचानक से काफी वाइल्ड तरीके से खतरनाक और एक को रिलीज करने लगती है, और ड्रैगन ब्लड के अंदर से निकल रही वाइल्ड पावर के कारण जो बाकी के पिल के अंदर के फ्यूजन होते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका भी फ्यूजन इफेक्टिव होता है और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर तो जो यान भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन ब्लड और फिनिक्स ब्लड के टच में नहीं आया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना खतरनाक और इतना मुश्किल होगा। हालांकि पहली बार से सबक लेने के बाद जॉन दूसरी बार थोड़ा सा और शांत होता है, और इस बार जॉन स्पेशली ड्रैगन और फिनिक्स ब्लड को साइड में रख दिया होता है अलग से रिफाइन करने को, जिसके बाद जॉन की स्काई फायर के तड़के के साथ ही सभी जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक एक करके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो ब्लड होता है वो भी यहाँ पे अब वाइल्डनेस को अपनी खो देता है। साथ ही पिछले सबक के साथ जॉन इस बार काफी एक्स्ट्रा अलर्ट था, इसीलिए जॉन कोई भी गलती नहीं करता। जिसके बाद कुछ और टाइम के बाद जॉन के कुलरोन के ऊपर एक पिल धीरे धीरे तैरने लगती है, और चारों तरफ एक मिस्टीरियस खुशबू फैलने लगती है, जिसके अंदर काफी ह्यूज क्वांटिटी में लाइफ पावर फील हो रही होती है, और इस स्मेल को फील करते हुए जॉन को फील होता है कि उसकी डेंटियन के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी है, जिसे फील करके जॉन वास्तव में कहता है कि ये सच में रेजुवेशन नाम के लिए हकदार है। रेजुवेशन का मतलब होता है कायाकल्प। वास्तव में इसकी जो स्मेल थी इतनी ज्यादा इफेक्ट डाल सकती थी तो पिल तो और भी खतरनाक होगी, लेकिन जॉन को पता था ये पिल केवल लड़कियों के लिए ही यूजफुल है। हालांकि उसी टाइम पे हवा में धीमी तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, और आसमान में लाइटिंग क्लाउड इकट्ठा होने लगते हैं, जिसमें से लाइटिंग इतनी खतरनाक होती है कि जैसे वो पूरे के पूरे माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। दूसरे आसमान में आ रहे बादलों को देखकर लॉन्गी तो अलग ही एक्साइटेड होता है, जैसे वो अपने सामने पिज्जा बर्गर देख रहा हो। दूसरे जॉन भी देख सकता था कि रैंक 5 की जो पिल लाइटिंग थी वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, यहाँ तक कि जॉन की ताकत के कारण वो सच में अभी भी हैरान होता है कि क्या सच में लॉन्गी इसे रोक पाएगा। तो साथ ही वो काफी ब्लेस्ड भी फील कर रहा होता कि उसके साथ लॉन्गी है, वरना तो वो कभी भी इस तरह की पिल लाइटिंग का सामना अकेले नहीं कर पाता। हालांकि तभी आसमान से खतरनाक तरीके से इकट्ठा होती हुई लाइटिंग सीधा ही लॉन्गी की तरफ बढ़ने लगती, तो दूसरी तरफ
लॉन्गी भी गोल्डन लाइट में चेंज होता हुआ सीधा ही उसे फिर लाइटिंग की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही लॉन्गी और लाइटिंग टकराते हैं उसके कुछ ही मोमेंट्स बाद लाइटिंग पूरी तरीके से गायब हो जाती है और देखते ही ब्लैक क्लाउड धीरे धीरे कम होने लगे होते हैं। हालांकि अभी भी जो यान लॉन्गी को दे सकता था जो कि क्लाउड के अंदर से घिरा हुआ होता तो जन थोड़ा सा टेंशन में होता है कि क्या ये बंदा सच में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। लेकिन लॉन्गी की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखते हुए जन तुरंत ही कहता है वास्तव में लॉन्गी की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी खतरनाक है और वो रिलैक्स भी फील करता है तो साथ ही साथ वो थोड़ा सा जेलिसी भी फील कर रहा होता है। हालांकि तभी उन क्लाउड्स को क्रैक करने के बाद लॉन्गी सीधा ही हवा से जोयान की तरफ आता है जो कि टेंशन में था और उसी के सामने हवा में उड़ता हुआ खड़ा हो जाता है। साथ ही लॉन्गी को सेफ देखकर जोयान भी धीरे धीरे रिलैक्स फील करता है और उसकी आंखों में तो एक्साइटमेंट को छिपाया नहीं जा रहा था। तभी लॉन्गी कहता है रैंक 5 की जो पिल लाइटिंग है वो वास्तव में काफी खतरनाक है, यहाँ तक कि 4th रैंक की लाइटिंग से तो काफी खतरनाक। साथ ही मैं महसूस कर सकता हूँ किसके साथ, अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूंगा तो मेरी जो पावर वो वास्तव में 4-स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल को ब्रेक थ्रू जरूर कर लेगी। साथ ही लॉन्गी शायद ही कभी इतनी ज्यादा बातें करता हो लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा था कि वो सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड है जो देखकर जो यान भी हंसता है और कहता है तो फिर तैयार रहो चलो और कंटिन्यू रखते हैं। जिस पे लॉन्गी की आंखें तो जलने लगती हैं कि जितना पिज्जा बर्गर वो खाएगा उतनी ही पावर वो बढ़ाएगा, मतलब बढ़ाएगा। जिसके बाद जो यान अपनी फ्लेम्स को फेयर करता है और कई महीने एक झटके में बीत जाते हैं और जो यान ने पहले ही एम्परर रैंक के 5 के एल्केमिस्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है। साथ ही जो यान ने रेजुवेशन पिल की जो इंग्रेडिएंट होती है उन्हें सबको समाप्त कर दिया होता है। साथ ही जो यान ने इसमें काफी सारी पिल्स को रिफाइन भी किया होता है तो काफी बार अनसक्सेसफुल भी हुआ होता है। हालांकि जो यान की जो सक्सेसफुल रेट थी उसे और भी ज्यादा होना चाहिए था लेकिन जो यान जल्द से जल्द अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था ताकि वो रैंक 5 की मैरो पिल को रिफाइन कर सके और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सके। साथ ही रैंक 1, रैंक 2 और पैटर्न 3 की फेल्स को रिफाइन करते हुए जोयान की जो फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी थी वो भी काफी स्ट्रांग हो गई होती और स्पिरिचुअल पावर में उसका कंट्रोल उसमें भी काफी अच्छा सुधार हुआ होता है जिस सुधार से जोयान काफी ज्यादा खुश भी होता है। साथ ही 1 पैटर्न रेजुवेशन पिल और 2 पैटर्न रेजुवेशन पिल जोयान की कई महीनों के अचीवमेंट थे और जोयान इसे शोरिंग में डालने से पहले केवल कुछ ही बार देखता है। दूसरी तरफ जोयान के जियो मेंशन में पिछले कुछ महीनों में हर टाइम पे केवल बादल ही छाए हुए होते हैं और बादल गरज रहे होते हैं। दूसरी तरफ जोयान भी काफी एक्साइटेड था अपनी पावर को और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए क्योंकि जोयान जितना जल्दी रैंक 5 की मैरोपिल को रिफाइन करेगा फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा उतना ही जल्दी वो मॉन्स्टर ब्लड को अब्सॉर्ब कर पाएगा और इसके बाद वो सोल सील को अब्सॉर्ब करेगा जिसके बाद वो अपने फ्लेम मंत्रा को एडवांस लेवल पर अपग्रेड कर सकता था। साथ ही क्योंकि अब जोयान रैंक 5 पे पहुंच गया होता है तो अब उसके पास स्ट्रेंथ थी मैरो पिल को रिफाइन करने की, इसीलिए उस पिल के अंदर की इंग्रेडिएंट्स को हवा में अपेयर करता है। साथ ही इस पिल के इंग्रेडिएंट को मर्चेंट एलायंस को सौंपते समय जोयान ने उन्हें बताया था कि इस पिल के इंग्रेडिएंट को ढूंढना आसान नहीं होगा। आखिरकार ये रैंक 5 की जो खतरनाक पिल होने वाली थी इसके इंग्रेडिएंट इतनी आसानी से कैसे मिल सकते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि अब मर्चेंट एलायंस ने ये पिल उसके लिए इंग्रेडिएंट ढूंढ दिए होते हैं तो जोयान इस पिल को रिफाइन कर सकता था। साथ ही रिपेयरिंग मैरो पिल के लिए बिन लांगजी आइस एज ग्रास ड्रीम बाइन और रीजन ग्रास आयोमिंग मॉस लिंगिन मॉस 5 स्टार साइल एट्रीब्यूट मैजिक कोर साथ ही 5 स्टार सॉइल यानी कि अर्थ एट्रीब्यूट मॉन्स्टर कोर और ब्लड एसेंस और इन सभी को देखकर जॉन थोड़ा सा हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है। साथ ही साथ सबसे मेन चीज ब्लैक मशरूम या कि लिंग इन मॉस जो सबसे ज्यादा रेयर थी यहाँ तक कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर इस चीज के बारे में लगभग कोई नहीं जानता था और यहाँ तक कि ये चीज तो केवल जॉन को पिछली बार तावाओ मार्केट के अंदर एक्सीडेंटली मिल गई होती है और ये देखकर कि अब सपना सच होने वाला था जॉन अपने दिल में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट को फील कर सकता था। साथ ही जॉन के रेजुवेशन पिल को रिफाइन करने के एक्सपीरियंस के साथ उसे कॉन्फिडेंस होता है कि वो इन इंग्रेडिएंट को रिफाइन कर लेगा, इसीलिए इस सभी इंग्रेडिएंट तुरंत ही जॉन की यान मुकुल्ड्रोन की तरफ जाने लगते हैं और जो यान के जो हैंड प्रिंट साइन होते हैं वो भी तेजी से बदलना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके बाद विन लांग जी आइस एस ग्रास एल्यूजनरी ड्रीम बाइन और सभी लोग सभी इंग्रेडिएंट को जो यान एक एक करके रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और टाइम भी धीरे धीरे बीतता जाता है जिसके बाद जॉन के कुल्ड्रोन में स्पिरिट सील मॉस धीरे धीरे मेल्ट हो रहा होता है और इसकी जो इंप्योरिटीज होती है वो धीरे धीरे गायब हो रही होती है। साथ ही इस मॉस के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे होते हैं और इसके बाद जब ये पूरी तरीके से रिफाइन होने ही वाला था कि तभी अचानक से एक सडन चेंज दिखाई देता है और एक आवाज आती है जिसके बाद यह इंग्रेडिएंट जलकर राख में बदल जाता है। तभी जॉन ब्लैक मशरूम या कि लिंगन मॉस को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसे पता था कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर इससे रिलेटेड जो भी इंक्रिप्शन या की चीजें पता थी वो सब कुछ पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया होता है और किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं पता था कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे रिफाइन करने के जो डिफिकल्टी थी वो थोड़ा सा और बढ़ गई होती है।
इसीलिए जॉन एक बार फिर से अपने ध्यान को फोकस करता और ज्यादा नहीं सोचता और बाकी के इंग्रेडिएंट्स को जेट की बोतल में डालते हुए जॉन एक बार फिर से मॉस को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन 2 या 3 बार अनसक्सेसफुल होने के बाद जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके दिल में काफी चिंता भी आ जाती है, क्योंकि जो मैरोफिल की रिफाइनमेंट के लिए जरूरी स्प्रेड सील मॉस थी उसकी क्वांटिटी जॉन के पास ज्यादा नहीं थी। साथ ही पिछली बार मिले हुए मॉस को कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता था, लेकिन अब उसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ होता। हालांकि अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करने के बाद जोयान एक बार फिर से ट्राई करता और साथ ही साथ पिछले कई बार अनसक्सेसफुल होने के कारण जोयान को इस बार काफी तगड़ा एक्सपीरियंस मिला था। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जोयान इसे काफी स्लोली ग्रिल कर रहा होता और इसके बाद टाइम के साथ आखिरकार वो सक्सेसफुल भी होता है, जिसके कारण प्रोफाउंड कलर की लिक्विड धीरे धीरे वहाँ पे तैरने लगती है, जिससे जोयान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और जोयान थोड़ा सा शांत होते हुए अपने दिल को शांत करता है, क्योंकि अब आखिरी स्टेप स्टार्ट होने वाला था जो कि था फ्यूजन स्टेप, और सक्सेसफुल होना और ना होना अब इसी स्टेप पे डिपेंड करने वाला था। इसलिए जॉन के दिल के एक ही थॉट के साथ सभी रिफाइंड लिक्विड हवा में तैरने लगते हैं, जो कि बिल्कुल रेनबो की तरह साइन हो रहे होते हैं, जिसके बाद जॉन उंगली के एक इशारे के साथ उन सभी लिक्विड्स को अपने कुलड्रोन के अंदर फेंक देता है। साथ ही जॉन की ओरिजिन कोई और स्पिरिचुअल पावर के कारण जॉन काफी इजीली इसे कंट्रोल कर पा रहा होता है, लेकिन जॉन को पता था कि फ्यूजन अभी भी काफी कठिन और वो जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट थे उन सभी का अलग अलग एट्रीब्यूट और अलग अलग क्वालिटीज थी, और अगर आप इनके एट्रीब्यूट और इनकी क्वालिटीज से फैमिलियर नहीं है तो सबसे मेन चांस होता था कि फ्यूजन अनसक्सेसफुल हो जाएगा, और इस चीज से वास्तव में अपना जोयान भी नहीं बच पाता और वास्तव में 1-2 ड्रॉप्स के बीच में हल्का सा फ्लैक्चुएशन होता है पावर का और वो पूरा का पूरा फ्यूजन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और राख में बदल जाता है, जिससे जन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में स्पेल का जो फ्यूजन है वो इतना ज्यादा कठिन होगा। साथ ही जॉन की स्पिरिचुअल पावर भी डेड हो गई होती है और उसे उम्मीद नहीं थी कि स्पिल का जो स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी वो काफी ज्यादा थी। साथ ही इस टाइम पे जॉन के पास केवल लिंगिन मॉस की आखिरी ड्रॉप बची हुई होती है, लेकिन जॉन एक बार फिर से खुद को शांत करता है और पूरी तरीके से फोकस हो जाता है, ऐसे जैसे कि उसे अंदर बाहर कोई भी चीज सुनाई ही ना दे रही हो। और ऐसे टाइम पे जॉन एक अलग ही स्टेट में एंटर हो जाता है, जहाँ जॉन का जो बिहेवियर था बिल्कुल पानी की तरह शांत होता है। साथ ही जॉन हल्के से बदलाव को भी फील कर पा रहा होता है। साथ ही जो चीजें जोयान को समझ में नहीं आ रही होती वो भी जॉन के लिए यहाँ पे काफी इजी हो गई होती है। साथ ही इसी टाइम पे जोयान धीरे धीरे फ्यूजन टेक्निक को वापस से स्टार्ट कर रहा होता है, और इस टाइम पे ये फ्यूजन स्पीड से कंप्लीट हो रहा होता है। साथ ही ये लिक्विड एक साथ फ्यूज होते हुए धीरे धीरे पिल का फॉर्म लेने लगे होते हैं। साथ ही ये देख कर कि ये पिल अब वास्तव में आकार लेने वाली, जॉन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। हालांकि जैसे ये स्टेप अचानक से कंप्लीट होने वाला था, एक चेंज होता है और चारों तरफ पावर अनबैलेंस हो जाती है और एक पर्पल कलर की फ्लेम अपेयर होती है, जिससे ये पूरा का पूरा जो लिक्विड होता है वो जलकर राख में बदल जाता है, जिससे जॉन थोड़ा सा और उदास हो जाता है कि वास्तव में वो बस सक्सेसफुल होने ही वाला था, लेकिन ये फ्यूजन फिर से डिस्ट्रॉय हो गया। जिसके बाद जॉन ओल्ड जान की तरफ आवाज लगाते हुए कहता है, ओल्ड जान। तभी जॉन के सामने एक शैडो अपीयर होती है जो कि जॉन से कहती है, अरे छोटे साथी इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा सांस तो लो, ओल्ड जान ओल्ड जान ओल्ड जान मुझे भी तो बोलने दो। तभी जॉन एम्बेरस होते हुए ओल्ड जान को पिल रिफाइनमेंट के पूरे ही तरीके को बताता है, जो सुनकर तो ओल्ड जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। तभी ओल्ड जान जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम सच में काफी जल्दबाजी में हो, आखिरकार ये पिल रैंक 5 की पीक लेवल की पिल है और इस पिल को रिफाइन करने की जो कठिनाइयां हैं वो रैंक 6 के स्टार्टिंग पिल के बराबर ही मानी जा सकती हैं। इसीलिए अगर आप इस मैरो पिल को रिफाइन करने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो इसे कोई भी सरप्राइज नहीं माना जा सकता। तभी जोयान को भी अचानक से एहसास होता है कि ना वो इस बात पे हंस सकता है ना ही रो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो वास्तव में इस पिल को रिफाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ उसे इस चीज को समझने में अभी भी काफी मुश्किल हो रही होती है। साथ ही लॉन्गी भी जॉन के लिए थोड़ा सा उदास फील कर रहा होता है। तभी ओल्ड जान कहते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को बर्बाद करने के बाद बच्चे तुम खुद तो हो गए ही। जिसके बाद वो कहते, लेकिन तुम काफी लकी हो कि तुम उस सिचुएशन में एंटर हो पाए अंतिम रिफाइनमेंट के टाइम पे, जो वास्तव में हजारों ईयर्स में भी काफी रेयर है और ये पूरी तरीके से कोइंसिडेंस के साथ होता है, इसे ढूंढा नहीं जा सकता। उनके इस वर्ड से जॉन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तभी एल्डर जान लाओ कहते हैं, हम उस स्टेट को आत्मज्ञान कहते हैं। हालांकि ये केवल कुछ मूवमेंट के लिए होता है, लेकिन वास्तव में इसके प्रॉफिट अनंत होते हैं और ये आपको सामने आ रही प्रॉब्लम्स में से निकलने में हेल्प कर सकता है, कुछ बैरियर्स को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकता है और स्किल्स को समझने में हेल्प कर सकता है, जिन्हें आप नॉर्मली कई सालों तक नहीं समझ पाते। लड़के वास्तव में तुम्हारी किस्मत नॉर्मल नहीं है। ओल्ड जान की बात को सुनकर जॉन जो कि उदास फील कर रहा होता है तुरंत ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि वास्तव में उसे कोई ब्लेसिंग मिल गई हो। तभी ओल्ड जान कहते हैं, अब आपकी स्पिरिचुअल पावर और फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी को देखते हुए आपको रैंक 5 के एल्केमिस्टों के बीच में लीडर के तौर पर माना जा सकता है। हालांकि अभी भी आप मैरोपिल के रिफाइनमेंट से थोड़ा दूर हैं, लेकिन इसमें भी सबसे जरूरी काम है आपको स्प्रेड सील मॉस को खोजना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजों में इसे हासिल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है।
तभी जॉन कहता, भले ही मर्चेंट अलायंस के लिए इसे खोजना मुश्किल हो, लेकिन मुझे पिछली बार ताबा मार्केट से उस पर्सन से वो जगह का नक्शा मिल गया होता है जहाँ पे उसने ये पाई थी, इसीलिए इस मैप के अकॉर्डिंग इसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। तभी ओल्ड जॉन जॉन को बताते हैं कि जिन स्थानों पर लिंगिन मॉस हार्वेस्ट होती है कि प्रोड्यूस होती है, वो जगह नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होती छोटे साथी, तुम्हें जितना अच्छा हो सके तैयारी करके जानी चाहिए। जिस पे जो यान भी अपना सेला देता है और लॉन्गी और ओल्ड जॉन को ग्रीट करता है, जिसके बाद वो दोनों ही लोग गोल्डन टावर के अंदर चले जाते हैं और जॉन अपने एल्केमी रूम से बाहर आ जाता है। तभी जॉन को हॉल में कदम रखते हुए देखकर जेनी तुरंत ही जो यान की तरफ देखती, तभी जॉन टेबल पर रखी हुई चाय को उठाता और तुरंत ही एक घूंट चाय मारता है। ये देखकर जेनी तुरंत ही चिंता से पूछती है, क्या आप थक गए हैं यंग मास्टर जियो? तभी जॉन कहता है, ठीक है मैं नहीं थका हूँ। तभी एक और आवाज आती है, लिटिल लायर, क्या बात है, क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया? और ये कुंग मुयर होती है जो कि टेंशन में होती है, यहाँ तक कि उसने किंग हाउरन और बाकी लोगों से भी पूछा था कि क्या जियो यान रैंक 5 का अल्केमिस्ट बन गया या नहीं। तभी जॉन कहता है, ठीक है ये बात तो मैं उम्मीदों पर खरा उतरने जैसा है और मुझे सक्सेसफुल माना जा सकता है। साथ ही जॉन ने आंसर तो दिया था, लेकिन जॉन के चेहरे पे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। तभी किंग हाउरन कहता है, ब्रदर ये तो खुशी की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसे कैसे देखते हैं, लेकिन आप वास्तव में खुश नहीं लग रहे, क्या कोई गड़बड़ हुई है? साथ ही वो काफी चिंता के साथ ऐसा कह रहा होता है। तभी जॉन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था, इसलिए मैंने काफी सारे रेयर इंग्रेडिएंट्स को बर्बाद कर दिया। साथ ही जॉन को कुछ गिल्टी भी फील हो रही होती है, हालांकि जोयान को लो ग्रेड के या कि कोई भी इंग्रेडिएंट इतना ज्यादा परेशान नहीं कर सकता था, क्योंकि मर्चेंट अलायंस के साथ जोयान का रिलेशन था और जोयान की बढ़ती हुई इनकम को देखते हुए वो किसी भी इंग्रेडिएंट को खरीद सकता था। तभी किंग हाउरन कहता है, तब तो फिर ठीक है, ये कहने के लायक नहीं है, अगर दुनिया के अंदर इंग्रेडिएंट है तो बस उन्हें खोजने का एक तरीका चाहिए। साथ ही आप रैंक 5 के अल्केमिस्ट बन चुके तो अब ये तो जश्न मनाने का टाइम होना चाहिए। साथ ही जॉन को पता था कि उसने अब तक मैरोपिल रिफाइन नहीं किया, लेकिन जॉन को यह भी पता था कि इतने सारे लोगों के सामने अब इस चीज को याद रखना जरूरी नहीं था, इन फ्यूचर वो इसे फिर भी रिफाइन कर सकता है। सबसे मेन था उन लोगों की परवाह करना जो कि उसकी ज्यादा परवाह करते थे, जैसे कि उसके फ्रेंड और उसके रिलेटिव जो कि उसके साथ यहाँ पर थे। तभी किंग मुयर जो यान की तब देखते हुए कहती है, वैसे लिटिल लायर क्या तुमने कोई अच्छी पिल रिफाइन की है? साथ ही वो जॉन के चारों तरफ घूम रही होती है और उसकी काली बेल्ट जो उसकी कमर पे लगी हुई होती है वो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लगा रही होती है उसे। तभी लैंग टियान भी कहता है, हाँ ये बात तो सच है, आखिरकार रैंक फिल की जो रैंक 5 की पिल है वो तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, तो हमें भी दिखाइए कि वो क्या थी। और सभी काफी उम्मीद से जॉन की तरफ देखने लगते हैं। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर जो रैंक 5 की पिल होती थी वो एक अलग ही पोजीशन रखती थी, इसीलिए जब सब सुनते हैं कि जॉन ने रैंक 5 की पिल को रिफाइन कर लिया है तो हर कोई उस पिल को देखना चाहता था। आखिरकार जो यान की किंगलिन लिक्विड और ब्लड कोई पिल ने तो पूरे कॉन्टिनेंट में पहले ही तहलका मचा रखा था, तो यान की बाकी पिल के बारे में भी सभी लोग जानना चाहते थे। साथ ही रैंक 4 की जो यान की हेवन पिल और बॉडी प्रोटेक्टिंग पिल, इन्होंने भी सभी को जेलिस फील कराया था। तभी जॉन कहता है, ये रैंक 5 की पिल है और मुझे भी नहीं पता ये किस तरीके का सरप्राइज होगा। साथ ही जॉन थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए अपनी पिल को निकालता है, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी को बताते हुए जॉन को भी थोड़ा सा शर्म आ रही होती है। हालांकि तभी मुयर जो यान को एम्बेरस होते हुए देखकर वो तुरंत ही कहती है, लिटिल लायर तुम अब भी उस पिल को दिखा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि कहीं हम वो पिल चुरा ना लें या कि तुमसे छीन ना लें? तभी जेनी भी कहती है, इसे लिटिल लायर मत कहो, इसे तो कहना चाहिए कंजूस। हालांकि जेनी जो कि हमेशा यार छोटी बड़ी चीज पे ध्यान देती थी, लेकिन इस टाइम पे जॉन के ऐसे बिहेवियर को देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान होती है, जिसके बाद वो तुरंत ही स्माइल करते हुए कहती है, यंग मास्टर जियो क्या कुछ गलत हुआ? अगर कुछ है तो फिर ठीक है, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। तभी जॉन जेनी की इस वॉइस को सुनते ही उसके पूरे दिल में हल्की सी गर्माहट फील होती है और अब वो और ज्यादा देर तक मना नहीं कर पाता, जिसके बाद जॉन तुरंत ही दो ग्रीन कलर की पिल्स को निकालता है और उन दोनों पिल के अपेयर होते ही चारों तरफ मिस्टीरियस स्मेल फैल जाती है और पूरा हाल ही इस स्मेल से भर जाता है जो कि सभी के दिल को छू जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और चारों तरफ ताजगी का एहसास होता है, जिसके बाद जो यान और बाकी लोग जेनी के एक नोटिस को रीड करते हैं, जिसमें जेनी ने कहा था कि आज की ऑक्शन हाउस हर किसी को हैरान कर देगी, जिससे सभी लोग काफी क्यूरियस होते हैं और जल्दी से ऑक्शन हाउस में पहुंच जाते हैं। साथ ही बेटरों ने यहाँ पे स्पेशली जो यान के लिए एक रूम तैयार किया होता है, जिसपे जो यान और बाकी सभी लोग वीआईपी रूम में पहुंच जाते हैं। जो यान मुयर और लेसावलोंग को छोड़कर सभी ने पहली बार ऑक्शन हाउस के वीआईपी रूम को देखा हुआ होता है, जहाँ फर्श से छत पर एक स्क्रीन लटकी हुई होती है और आप लोगों को तो रूम के बारे में पहले ही पता है, तो मैं रूम के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, कुल मिला कि ये काफी सुंदर था। तभी किंग हाउरन जोयान की तब देखते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर ऐसा लगता है कि मर्चेंट अलायंस तो मुझसे ज्यादा अच्छे से तुमसे बिहेव करता है, और ऐसा कहते हुए वो हंसने लगते हैं। साथ ही मर्चेंट अलायंस में जोयान के साथ जो बिहेवियर किया जाता था और उसे जो रिस्पेक्ट दी जाती थी वो किसी पावरफुल क्लेन के क्लेन लीडर से कम बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि किंग हाउरन जो कि एक डेमन एम्परर था और सभी के लिए रिस्पेक्टेड था, उसने भी वास्तव में इतनी उम्मीद तो नहीं की थी।
कि जो यान के जैसा वो मजे उड़ा पाएगा। तभी जान कहता है, ब्रदर मेरा मजाक मत उड़ाओ, देखो ये सब तो जैनी के कारण है। और इसके बाद जोयान अपने रूम के दरवाजे की तरफ देखता है, क्योंकि जैनी ने उसे ये रूम दिया था और इसके बाद वो यहाँ से चली गई थी और अब तक वो यहाँ पे लौट कर नहीं आई थी। जिससे जोयान अपने दिल में थोड़ा सा उलझन फील कर रहा होता, लेकिन तभी मुहर जोयान की इस चीज को नोटिस कर लेती है। इसलिए वो तुरंत ही कहती है, लिटिल लायर तुम क्या देख रहे हो। इस टाइम पे भाई उसे अपने दिल में जेलिसी फील हो रही थी और वो थोड़ा नाराज भी होती है, जिससे जोयान एम्बेरस होते हुए तुरंत ही अपनी नजरों को दरवाजे से हटा लेता और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो खिड़की के बाहर देख रहा हो। और टॉपिक चेंज करते हुए जोयान कहता, अरे ऑक्सन हाउस में तो कितने सारे लोग हैं, देखो। चाहे इस टाइम पे कल्टीवेशन की बात हो, पिल रिफाइन की बात हो या किसी और चीज की बात, जोयान हर एक चीज को संभाल सकता था। लेकिन जहाँ पे लड़कियों की बात आती थी, जोयान का दिमाग सुपड़ा साफ हो जाता था उसका। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि इन्हें कैसे समझाया जाए। साथ ही जोयान के ऐसे उबड़ खाबड़ बिहेवियर को देखते हुए हर कोई हंसने लगता है। दूसरे मुयर भी गुस्से से कुछ फुसफुसाती है और जोयान को पूरी तरीके से इग्नोर मार देती है। तभी जोयान को एम्बेरस होता है देखकर किंग हौरान, भला वो कैसे देख सकते थे कि किंग मुयर जोयान को धमकाए। इसीलिए वो तुरंत ही एग्री होते हुए कहते हैं, हाँ मर्चेंट अलायंस वास्तव में काफी ज्यादा बड़ा है और उन्होंने इस चीज का काफी प्रचार प्रसार किया है, इसीलिए ऑक्सन हाउस में इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं। साथ ही खिड़की से सब कोई देख सकता था कि ऑक्सन हाउस के अंदर जरा सी भी जगह नहीं बची हुई होती, चारों तरफ लड़के ही लड़के और लोग ही लोग बैठे हुए होते हैं। साथ ही इस बार के ऑक्सन हाउस में काफी सारी लड़कियां भी आई हुई होती हैं और इस टाइम पे तो ये ऑक्सन हाउस खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ होता है। वैसे खूबसूरत लड़कियां ओल्ड टाइम में हुआ करती थी, इस टाइम पे तो केवल मेकअप वाली लड़कियां ही चल रही हैं, नकली सुंदरता। जिसके बाद ऑक्सन हाउस का स्टेज हमें दिखाया जाता है, जहां पे एक तेज लाइट साइन होती है और एक पर्सन वहां पे अपेयर होता है जो कि ऑब्वियसली ऑक्सन हाउस को लीड करने वाला होता है। जिसके बाद वो कहता है, मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, ऑक्सन हाउस अब अभी से स्टार्ट होता है, सभी का यहाँ पे आना हमारे लिए रिस्पेक्ट की बात है और आप लोग को इंतजार करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, बस वेट करें और अपनी पसंद की चीज को खरीद लें। जिसके बाद वो पहली चीज को अफेयर करते हुए कहता है, ये एक स्रॉड है, एम्परर स्रॉड, जो कि हुआंग स्ट्रॉन्ग और कैओस की एनर्जी से मिलकर बनी है। साथ ही इसे बनाने वाले ब्लैक स्मिथ भी काफी ज्यादा पॉपुलर थे और रिपोर्टेटेड हस्ती थे। साथ ही लगभग 100 ईयर्स तक इसे क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हेवन और अर्थ के एसेंस को भी मिलाया गया था, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग है और काफी पावरफुल और मिस्टीरियस भी। ऑक्सन हाउस के मैनेजर की बात को सुनते हुए तो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे वो बताता है, ये स्रॉड 1000 साल पहले इसके एम्परर के हाथ से अचानक से म्यान से निकल गई थी और इसके बाद आसमान में ये काफी बड़े क्लाउड्स को क्रिएट करते हुए अचानक से गायब हो गई और चारों तरफ काफी अजीब एनर्जी का फ्लक्चुएशन हुआ। साथ ही इसकी एनर्जी काफी खतरनाक थी और साथ ही साथ इसके काफी ओल्ड टाइम तक इसी तरीके से रहने के इसके अंदर वास्तव में कुछ मिस्टीरियसनेस आ गई और इसका ऑरा भी काफी मिस्टीरियस हो गया है, लेकिन ये वास्तव में काफी शानदार स्रॉड है। ये सुनकर तो हर किसी के दिल गर्म हो जाते हैं और उनके दिल में तो हंगामा मचने लगता है। जिसके बाद बोली स्टार्ट होती है 10 लाख, तो अगला बंदा स्टार्ट करता 1.2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.8 मिलियन और ऐसे ही बोली लगाने वालों की आवाज कंटिन्यू आ रही होती है और कुछ ही टाइम पे बोली 2 मिलियन तक पहुंच गई होती है। जिसके बाद एम्परर की स्रॉड 2.2 मिलियन ड्रैगन पैटर्न टेल्स में बेच दी जाती है। तभी इसी चीज के साथ वो मैनेजर तुरंत ही दूसरी चीज को पेश करता है, जो कि एक पॉल फॉर्मूला होता है, जो कि रैंक 4 की पिल का फॉर्मूला था, गुइलिंग पिल इसका नाम होता है। साथ ही इस पिल को रिफाइन करने के बाद इस पिल से कुछ टाइम के लिए बिल्कुल टर्टल सेल की तरह स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिफेंस आर्मर को पाया जा सकता है, जिससे इसे यूज करने वाले वॉरियर की जो डिफेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद वो बताते हैं इसकी स्टार्टिंग कीमत 1 लाख ड्रैगन टेल्स है। जहां लोग सुनते हैं कि ये डिफेंस को इंक्रीज कर सकती है, सभी लोग इसके लिए काफी खुश होते हुए कीमत लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद लास्ट में ये पिल का फॉर्मूला 1.80 मिलियन में बेच दिया जा 1.80 लाख में ही बेच दिया जाता है। तभी एल्डर तीसरी चीज को पेश करते हुए कहते हैं, ये एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है हुओउ फ्रूट, जो कि रैंक 6 के पिल के रिफाइनमेंट में यूज होता है। साथ ही ये बिल्कुल ब्लड की तरह स्कारलेट रेड साइन कर रहा होता है। तभी एल्डर बताते हैं, ये हुओउ माउंटेन की पीक पे उगता है, साथ ही ये काफी ज्यादा रेयर भी है और इसकी स्टार्टिंग कीमत होगी 1 लाख ड्रैगन टेल्स। जिसके बाद ऑक्सन हाउस के अंदर कीमत बढ़ाते बढ़ाते एक एल्केमिस्ट के हाथों में ये इंग्रेडिएंट आ जाता है, जिसने 2 लाख की कीमत दे दी होती है। जिसके बाद समय की तेज तर्रार स्पीड से बीतते हुए शोर शराबे के साथ ही ऑक्सन हाउस की हर एक चीज लगभग यहाँ से बेची जाने लगती है और यहाँ पे ज्यादातर चीजें पहले ही बिक चुकी होती है। सत्य ऑक्सन हाउस में काफी अच्छी अच्छी चीजें थी, लेकिन जोयान का ध्यान बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाती, जिससे जोयान के लिए थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगा होता है। तभी किंग मुयर भी कहती है, कितना सरप्राइज की बात है कि सिस्टर जेनी ने कहा था यह काफी अच्छा होगा, लेकिन यह कितना बोरिंग है।
साथ ही वो इतनी देर से इंतजार कर रही थी क्योंकि जैनी ने कहा था, वरना वो यहाँ से कब का चली गई होती। साथ ही साथ अभी भी उसे पता था कि एल्केमिस्ट जो ये ऑक्शन हाउस था, इसके अंत में आने वाली चीजें और भी अट्रैक्टिव हो सकती हैं। साथ ही जॉन भी कंफ्यूज था, उसे पता था कि जैनी की बातें हमेशा ही सच होती है, इसीलिए वो भी ऑक्शन हाउस के एंड होने का वेट कर रहा होता है और वो भी देखना चाहता था कि आखिरकार ऑक्शन हाउस के अंदर क्या सरप्राइजिंग होने वाला है। तो चलो इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, क्योंकि अब मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है इसे आगे एक्सप्लेन करने की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। बाय बाय थ्री एंड फैमिली।